बात कर रहे थे ड्राइवर से, इतनी देर कोई बात नहीं करता। नहीं नहीं, शोर शराबा बहुत हो रहा है, आप इतने कैमरे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करूं, उसको पता नहीं चल रहा गाड़ी कहां से आए कहां जाए। होने भी चाहिए, मेरे ख्याल से 2015 की क्या, आने वाले हर साल की प्लानिंग होनी चाहिए, विदाउट प्लानिंग कोई साल नहीं आना चाहिए। मेरा घर बसे पिछले 8 साल से मुंबई में मेरा घर बस चुका है। हाँ, फिर उसके बाद बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, ये तो चलते ही रहता है। न्यू ईयर के क्या प्लान है आपके? न्यू ईयर का कोई प्लान नहीं है, मुझे लगता है कि प्लान बनाते बनाते सोचते सोचते काफ़ी टाइम निकल गया, और जब थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि न्यू ईयर आने में सिर्फ और सिर्फ अभी 15 डेज बाकी हैं, तो पता चला हर जगह बुकिंग हो चुकी है, कहीं भी हमारे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है। तो बेटर टू बी होम एंड आवाज दे जी। मुझे जब मुझे पता चला इसके बारे में तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि क्या इंसान इतना गिर चुका है कि वो दरिंदा और हैवान से भी बदतर हो गया है। मेरे ख्याल से आप जिस भी दरिंदे और जिस भी हैवान को इमेजिन करें तो उससे बुरा आज इंसान हो गया है जिसने ये हरकत की है बच्चों के साथ। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने उन बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि ऐसे हज़ार बच्चों को जन्म दिया है जो इसके खिलाफ उठेंगे या फिर वैसे गलत राह पे चलेंगे उनसे बदला लेने के लिए। तो हमें इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए कभी भी ये नहीं देखना चाहिए, कभी बच्चों के ऊपर जुल्म करना, भगवान के ऊपर जुल्म करना, अल्लाह के ऊपर जुल्म करने के बराबर। नववर्ष की सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि ये नया साल आप सब के लिए खुशियां लेके आए, उन सब को जिन्होंने इस साल जानी और माली नुकसान से अपने इस टाइम को काटा है, उन सब को अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि वो इस सब से बाहर आ जाएं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे और मुकम्मल स्टेप। थैंक यू।